वज्द एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा सुरूर जिसमें डूबकर बेखुदीदारी हो जाए। रूह और जिस्म का ऐसा ताल्लुक जो दुनिया से दूर ले जाए, ऐसे जैसे सहरा में बारिश का पहला कतरा, ऐसे जैसे किसी गरीब उलमर्ग को जिंदगी की उम्मीद मिल जाए। वज्द एक ऐसी कैफियत। आजा साजन नैनन में, पलक ढांप तो है रिलेशनशिप की सबसे खास बात ये थी कि हम लोग 11 तारीख को मिले थे अक्टूबर में, एंड वी हैव कमिटेड इन 13 डेज, और हम उससे मिले भी नहीं, मतलब हम ज़्यादा से जानते नहीं थे, और लोगों को सिर्फ लिटरली यही लगता था कि इन लोगों का रिलेशनशिप तो ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, नॉर्मल है, 13 दिन में कौन कमिटेड होता है, बट इट लास्ट फॉर 9.1 ईयर्स एंड आज हमारी शादी हो गई है। जब से तुझसे मिला बेगाना पन भुला के अपना बना के तुझे चल बड़ा मेरी जाने जा ओ जाने जा। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप वाज कि हम लोगों ने 9 ईयर वो रिलेशनशिप को मेंटेन किया। ऑब्वियसली देयर इज गॉड ऑलवेज बिहाइंड अस, बट कहीं ना कहीं हमने भी अपने आप में वो पेशेंस रखा एंड now we got married on 1st of December and we are now husband and wife. Maybe the best gift in my life. तो निपुण के लिए बस एक ही चीज़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वही मुझसे प्यार करता है, और ये बात मुझे लगता भी है और ऐसा है भी। उससे ज़्यादा केयर कोई कर नहीं सकता और उससे ज़्यादा प्यार भी मुझे कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरा लाइफ पार्टनर है। हल्दी के टाइम पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हम लोगों के साथ, और कैजुअलिटी आई वुड से। हम फोटो खिंचवाने के लिए नॉर्मली एक तख्त पे बैठे एंड दैट गॉट क्रैश्ड। हम चार लोग बैठे थे एंड ओनली वन पर्सन गॉट हर्ट, दैट्स आवर ब्राइड परिधि। जब मेरे को चोट लगी तो मुझे पता था कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, मुझे पता था कि मेरे साथ कौन चलने वाला है आगे, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं गिर जाऊँगी तो मुझे कौन उठाएगा। तो वो सिर्फ निपुण ही था, अगर मैं मेरे को एकदम लगती भी थी ना तो मैं सिर्फ निपुण ही बोलती थी।
तो मैंने उसको फटाफट से उठाया, उसको मांझी पे लिटाया उसको, और उसका पैर देखा, मैंने उसका पैर चलाया, मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा वो नहीं है। देन मैंने उसको बोला कि थोड़ा अपना पैर मूव कर, एंड शी सेड कि उसका फुट मूव नहीं हो रहा है। तो कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, लिटरली फॉर मी इट वाज लाइक जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हो गया। एंड मेरे को लगा शायद ठीक हो जाएगा, बट फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, एंड डॉक्टर ने बोला कि फ्रैक्चर नहीं है, बट स्टिल इट वाज अ मेजर इंजरी। ऐसे नहीं था कि, क्योंकि पूरी शादी पे वो चल नहीं पा रही थी। देन आई थॉट कि मैं कैसे चीज़ों को कूल कर सकता हूँ, तो मैंने उसको बस यही समझाया कि जो हो गया उसको भूल जा, थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, और अब जो चीज़ें आगे करनी है उनके बारे में सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ठीक है पल एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट बहुत पॉजिटिव फीलिंग भी आई जब उसने मेरे को बोला कि कुछ नहीं है परी, शादी तो करेंगे ही और कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कैसे भी हो बस मैं तेरे को उठा के लेके चलूंगा। Past the endless dawn, and then to live to see the sunlight, persistence to prevail, I believe. The fire along, I believe. To last the endless storm, and then to live to see the sunlight. Persistence to prevail, I believe. Holding on to see how life turns out, killing the fall. परिधि वॉज वेटिंग राइट देयर फॉर मी ऑन हर व्हील चेयर, एंड मेरे को बस एक ग्लिम्स देखा उसका, एंड फिर सामने सब लोग आ गए, तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग घर की वो कहाँ गई, क्योंकि फर्स्ट ग्लिम्स में जो उसका लुक था, मतलब मैं उसको देखना चाहता था कि क्या मैंने कुछ सपना देखा, और इज इट द ट्रुथ जो मतलब मैंने देखा। मैं चाहती भी थी कि ऐसा कुछ हो कि यूनिक तरीके से हमारी शादी हो, बट इस तरह नहीं, बट ठीक है जो होना होता है वो होता है, और मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। आई डोंट थिंक सो किसी की ऐसी शादी हुई होगी। परिधि ने बहुत हिम्मत दिखाई, बिकॉज वो एक पैर पे खड़ी हुई थी जयमाल के टाइम पे। आई वॉज आस्किंग हर कि हम बैठ के कर लेते हैं, बट उसने बोला नहीं खड़े होके करना है। बहुत हिम्मत दिखाई, that makes me strong, I believe.